हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं बेस्ट क्वेश्चन के लेकर के आ गई हूँ। आज के सेशन में भी 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। आप सभी रेडी हो जाइए अपना अपना स्कोर चेक करने के लिए। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन किसी कंपटीशन एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यदि आप थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं डिटेल में, तो सभी थ्योरी सेशन डिटेल में बताया गया है और चैप्टर वाइज एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराया गया है, वन एलर क्वेश्चन बताया गया है एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन, एंड डेली बेसिस पे आपको मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रही हूँ जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ें चेकआउट कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा पर्पज है आपको सफलता दिलाना, तो दोस्तों जैसा कि मध्य प्रदेश खेल शिक्षक मिडिल एंड प्राइमरी वर्ग टू एंड वर्ग थ्री में जिसने भी टेट क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, उन बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। क्योंकि जब प्री क्वालिफाई कर लिया है तो मेंस पे लापरवाही करेंगे तो आपके हाथ आया हुआ अपॉर्चुनिटी भी चला जाएगा। और जिसने प्री क्वालिफाई नहीं किया है वो भी डीमोटिवेट मत होइए, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। यूपी टीजीटी हो गया या यूपी अल्टीग्रेट हो गया, अदर जैसे कि EMRS हो गया और एग्जाम NBS आदि की प्रिपरेशन करिए और अपना काम भी करते रहिए। ये नहीं कि जैसे कि इस समय जो कंडीशन होता है कि लोग डिप्रेशन में होते हैं, तो उस डिप्रेशन को छोड़ दीजिए, यानी कि आपका घर का काम, ऑफिस का काम, इस तरह की सिचुएशन होती है जिससे आपको थोड़ा दिक्कत होती है बैलेंस बनाने में कि हम पढ़ाई को कितना समय दें, ऑफिस को कितना समय दें। तो दिन का 4-5 घंटा आप किसी भी तरीके से पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए अवश्य निकालिए, क्योंकि ये आपका भविष्य बनाएगा। और पहले बात की, फालतू मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तो आप कई रास्ते हैं, किस रास्ते पे जाना है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपका मेहनत भी सार्थक होगा। और जब लक्ष्य पता हो तो उस पर पूरा जान झोंक देना चाहिए, 100% देना चाहिए, अवश्य प्राप्त होगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, आप सभी भी रेडी रहिए। क्वेश्चन है दोस्तों, LNCPE के प्रथम प्रचार्य कौन थे तथा वे LNCPE से पहले कहाँ कार्य करते थे। तो दोस्तों, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम प्राचार्य थे डॉक्टर PF जोसेफ और इनसे इस इंस्टीट्यूट से पहले यह शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कांदिवली मुंबई में कार्य करते थे। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कांदिवली मुंबई की स्थापना 1938 में हुआ था, जबकि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और इसको 2 सितंबर 1995 में डिम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया था एंड 2000 में युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आ गया था। एंड इसका एक और महाविद्यालय 1985 ईस्वी में LNCPE के नाम से त्रिवेंद्रम में खोला गया एंड 2010 में गुवाहाटी असम में भी LNCPE के नाम से खोला गया असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिप बोन किसे कहा जाता है। तो हिप बोन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों हिप बोन जो है वह इननोमिनेट बोन को कहा जाता है। यह इननोमिनेट बोन जो है तीन हड्डियों यानी बोन से मिलकर बना होता है, इलियम इस्टियम एंड प्यूबिक। इन तीनों से मिलकर इननोमिनेट बोन बनता है जो हमारे हिप का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, स्टेडियम नाम कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों यह नाम जो है 200 गज से लिया गया है। 200 गज एक स्टेडियम के बराबर होता है, इस स्टेडियम शब्द के कारण ही स्टेडियम नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, जूडो खेल का पितामह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जूडो खेल का पितामह कहा जाता है डॉक्टर जिगारो कानो को। इन्होंने 1882 में जूडो का खोज किया एंड जूडो को जापानी कुश्ती भी कहा जाता है और जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है, इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है। तो इतिहास
का पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का पितामह कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का पितामह कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्सियोलॉजी का पितामह यानी पेशी विज्ञान गति विज्ञान जिसे किन्सियोलॉजी कहते हैं इसके पितामह हैं एरिस्टोटल यानी कि अरास्तु। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मेडिसिन का पितामह किसे कहा जाता है? तो फिजियोथेरेपी सारी चिकित्सा यानी चिकित्सा शास्त्र के पितामह तो हिप्पोक्रेटस हैं बट स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हेरोडिकस। नेक्स्ट है वॉलीबॉल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वॉलीबॉल का जनक है विलियम जी मॉर्गन। वॉलीबॉल का जन्म अमेरिका में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा 1895 में बनाया गया। ये विलियम जी मॉर्गन जो है अमेरिका में YMCA के एथलीट निर्देशक थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बास्केटबॉल का जनक जेम्स स्मिथ को बोला जाता है। इसका भी जन्म बास्केटबॉल का जन्म अमेरिका में हुआ। इन्होंने अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में 1891 में बास्केटबॉल नामक एक नया गेम बनाया। नेक्स्ट है अष्टांग योग का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अष्टांग योग का जनक कहा जाता है महर्षि पतंजलि को। इन्होंने अपने योग सूत्र महाकाव्य में अष्टांग योग के अंतर्गत 8 अंगों के बारे में बात कही है। इनके अष्टांग योग के अंतर्गत 8 अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है? तो इनमें से क्या विषम है दोस्तों? इसमें ऑप्शन दिया है हीटिंग थर्ड क्लास लीवर किकिंग थर्ड क्लास लीवर पंचिंग थर्ड क्लास लीवर थ्रोइंग थर्ड क्लास लीवर। यानी कि इसमें एक विषम है यानी कि कहने का तात्पर्य है कि तीन ऐसा चीज़ है जो थर्ड क्लास लीवर यानी कि उत्तोलक के तीसरे प्रकार में आते हैं बट एक नहीं आता। तो आपको देखना क्या है कि मैंने इसका ट्रिक बताया था उत्तोलक ज्ञात करने का FAR यानी कि 312। ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A के नीचे क्या है दोस्तों? A के नीचे है एक यानी कि फर्स्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में होता है फोर्स और रेसिस्टेंस के। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे आर के नीचे क्या है टू यानी सेकेंड प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस यानी कि भार बीच में होता है फोर्स एंड एक्सिस के। यहाँ पे देखेंगे एफ के नीचे क्या है थ्री यानी कि थर्ड प्रकार के लीवर में फोर्स बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। तब आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसमें जो हीटिंग है यानी कि हीटिंग जो है वो हॉकी खेल से रिलेटेड है। तो हीट जब कर रहे हैं तो बीच में किसका अप्लाई हो रहा है फोर्स का। तो बीच में फोर्स कहाँ पे आता है थर्ड क्लास लीवर में। एंड ख है किकिंग जब आप फुटबॉल को पैर से किक करते हैं तो बीच में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपका थर्ड क्लास लीवर आएगा। एंड थ्रोविंग जब किसी चीज़ को आप थ्रो कर रहे हैं तो बीच में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी आपका थर्ड क्लास लीवर आएगा बट आपका पंचिंग नहीं आएगा। पंचिंग में बीच में रेसिस्टेंस हो जाएगा या सेकेंड क्लास लीवर है इसलिए यह आपका विषम है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे और तर्क करेंगे अवश्य आपके सही आंसर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आँखों से रिलेटेड क्वेश्चन है रोड यानी कि आँखों में रोड और कौन सेल पाया जाता है। रोड सेल जो है
अंधेरे या उजाले में फर्क बताता है और कौन सेल जो है प्रकाश में रंगों को बताता है। तो रोड सेल जो है यहाँ पे रोड दिया है, रोड डार्क एंड या लाइट, तो ये आपका राइट है। अंधेरे उजाले का फर्क बताता है। कौन सेल कलर को बताता है, ये भी सही है। ऑप्टिक सेल, सेल ऑप्टिक सेल जब लेंस जो है प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है तो रेटिना पर वस्तु बिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर ही हमको दिखाई देता है। और वह वस्तु का प्रतिबिंब ऑप्टिक सेल के द्वारा ही मस्तिष्क में ऑसिपिटल बोन की तरफ जाता है, ऑसिपिटल लोब की तरफ जाता है, जहाँ पे वस्तु हमको दिखाई देती है। मस्तिष्क सर्च करके बताता है कि हाँ ये इस कलर का है, ये वस्तु है। तो एंड यहाँ पे थर्ड आसन जो है रेटिना, लेंस नहीं होता क्योंकि लेंस अलग है और रेटिना अलग है। लेंस जो है प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है जिससे वस्तु हमको दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी सम है। नेक्स्ट निम्न में से क्या विषम है, तो ट्रैकिया, एपिग्लोटिस, ब्रॉन्चस, ये तीनों चीज श्वसन तंत्र से रिलेटेड हैं, बट आइसोफेगस यानी कि भोजन नली यह पाचन तंत्र से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ये आपका विषम है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसमें से क्या विषम है, तो यहाँ पे विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये टेनिस खेल की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, बट आपका डेविस कप जो है टेनिस खेल की शब्दावली है, इसलिए अब विषम है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो लव आर ड्रॉप शॉट गेम ऑफ 21, ये तीनों रिलेटेड हैं बैडमिंटन खेल से, बट एक्सपेरॉइड सिस्टम जो है यह किससे रिलेटेड है, तो एक्सपेरॉइड सिस्टम जो है वह टेबल टेनिस से रिलेटेड है, बाकी तीनों किससे हैं, बैडमिंटन से। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो यहाँ पे आपको देखना है एनसीसी, रोवर्स एंड रेंजर्स एंड एनसीसी, ये तीनों के तीनों स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जबकि टेरिटोरियल आर्मी ये जो है यह नेशनल, यानी कि आपको ध्यान में देखना है कि टेरिटोरियल आर्मी जो है यह नॉन विलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी सभी विलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यल लगा है मतलब नेशनल, यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, ठीक है। नेक्स्ट दिन में से क्या विषम है, तो यहाँ पे है रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रस्टवर्दीनेस। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अच्छे टेस्ट के लिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, जिसमें से रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता को हम कंसिस्टेंसी, ट्रस्टवर्दीनेस भी कहते हैं, इसलिए तीनों सेम है। बट यूनिफॉर्मिटी जो है इसको हम ऑब्जेक्टिविटी को यूनिफॉर्मिटी कहते हैं, इसलिए आपका यह विषम है, ठीक है, और ये तीनों सेम है। नेक्स्ट है इनमें से क्या विषम है, तो दोस्तों यहाँ पे एल्बो गार्ड आपका विषम है। क्या है, एल्बो गार्ड आपका विषम है क्योंकि एल्बो गार्ड क्रिकेट खेल से संबंधित है। उसके अलावा स्टोकिंग्स, स्टूट, सीन पैड, ये तीनों फुटबॉल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है इनमें से क्या विषम है, ओलंपिक आयोजन शहर के संबंध में, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पेरिस, लंदन, स्टॉकहोम, ये तीनों के तीनों कंट्रीज जो हैं, ये तीनों के तीनों कंट्रीज जो हैं यूरोप महाद्वीप से संबंधित हैं, के अंतर्गत आते हैं, बट मैक्सिको सिटी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। मैक्सिको सिटी कहाँ के आता है, अमेरिका महाद्वीप के। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, खेलों के अंग से संबंधित, तो
दोस्तों 15 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट ये तीनों टेनिस खेल से संबंधित है, बट 20 पॉइंट का कोई पॉइंट नहीं होता है किसी भी खेल में। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि शटल रन, चिन ऑफ्स, वर्टिकल जंप, ये तीनों सेम है क्योंकि तीनों के तीनों आते हैं JCR टेस्ट में। J से जंप यानी कि वर्टिकल जंप, C से चिन ऑफ एंड R से रन यानी कि शटल रन, ये तीनों JCR टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, बट 50 यार्ड डैश जो है यह नहीं आता, ये ऑफर युवा फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से क्या विषम है, तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आपको जरूर आप सही टिक करेंगे। जैसे कि एलगन से क्या मापा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। टीची टेस्ट से क्या मापा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। फ्लेक्सोमीटर से भी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन को मापा जाता है, इसका मतलब एलगन, टीची टेस्ट, फ्लेक्सोमीटर ये सेम है, बट डायनेमोमीटर से क्या मापा जाता है, जो डायनेमोमीटर से स्ट्रेंथ यानी ताकत, अंगों की ताकत को मापा जाता है, इसलिए यहाँ पे यह विषम है और तीनों फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से क्या विषम है, यहाँ पे क्लेविकल, स्टर्नम, सेक्रल वर्टिब्रा, ये तीनों के तीनों एक्सियल कंकाल हैं, जबकि ह्यूमरस जो है अपेंडिकुलर कंकाल है, इसलिए ह्यूमरस आपका विषम है। नेक्स्ट निम्न में से क्या विषम है, तो दोस्तों प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटिज्म, डिवाइज्म, इन तीनों सेम हैं, क्योंकि प्रयोगवाद को ही हम व्यवहारवाद कहते हैं, इस प्रयोगवाद को ही हम कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटिज्म, डिवाइज्म, जिसके प्रवर्तक हैं जॉन डिवी, जबकि नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं रूसो, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि ऑफ साइड, पेनाल्टी एंड वेम्बले स्टेडियम, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं, फुटबॉल से, जबकि रन आउट आपका रिलेटेड है क्रिकेट से, क्रिकेट में आउट होने के नियम से संबंधित है रन आउट, और वेम्बले स्टेडियम ऑफ साइड या पेनाल्टी तीनों फुटबॉल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट दिन में से क्या विषम है, तो मोरारजी देसाई योग से रिलेटेड है, दिल्ली में है, लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट जो है, लक्ष्मीबाई जो है आपका लक्ष्मीबाई के नाम से लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में 1957 में बनाया गया मध्य प्रदेश में, एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस इनके नाम से NSNIS पटियाला बनाया गया 7 मई 1961 में। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के नाम से कोई भी शारीरिक शिक्षा खेल संस्थान नहीं है, तो यहाँ पे अलग कौन हो गया विषम, ऑप्शन नंबर ग लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी को निम्न में से किसे विकसित किया जाता है, तो दोस्तों नेचुरल एक्सरसाइज तो आपका वार्म अप हो गया शरीर को गर्माने के लिए, एंड आइसोकाइनेटिक एंड आइसोटोनिक, इसे स्ट्रेंथ यानी ताकत को डेवलप किया जाता है, बस यहाँ पे पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पे हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी को। निम्न में से क्या विषम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या विषम है, तो यहाँ पे एपेक्स, टेरिटरी, पैराबोला, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये तीनों चीज़ें होती हैं किसके अंतर्गत आती हैं, ये तीनों चीज़ें आती हैं प्रोजेक्टाइल के अंतर्गत। प्रोजेक्टाइल वह होता है कि किस वस्तु को कितने कोण पर फेंका जाए कि वो अधिक से अधिक दूरी तय करे, तो यहाँ पे तीनों प्रोजेक्टाइल के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्लांटर फ्लेक्शन जो है यह ज्वाइंट की गति से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अवश्य आप पहचान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पुशअप, पुल अप, डंबल एक्सरसाइज, ये तीनों से हमारे हाथ यानी कि आर्म की मांसपेशियाँ विकसित होती हैं, जबकि सीटअप जो है अलग है, क्योंकि सीटअप से पेट की मांसपेशियाँ विकसित होती हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से क्या विषम है? तो 30 × 35 मीटर, 27 × 16 मीटर और 4 फीट। तो 30 × 35 मीटर जो आपका बैठने का सीटिंग स्थान होता है खो खो में, उसका लंबाई चौड़ाई होता है। 27 × 16 ग्राउंड का मेजरमेंट होता है खो खो के, 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा। और 4 फीट जो होता है खो खो में जो पोल होता है, 4 × 12 यानी कि 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होती है, यानी 120 सेंटीमीटर ऊंचाई होता है 4 फीट खो खो में पोल का। अब 5 × 5 मीटर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होता, इसलिए 5 × 5 मीटर आपका विषम है, इंच आपका विषम है। नहीं सर, ट्रेडमिल से क्या विकसित होता है? तो ट्रेडमिल सहनशीलता को डेवलप करता है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट दोस्तों, वेट ट्रेनिंग से क्या विकसित किया जाता है? वेट शब्द आते ही भार प्रशिक्षण जो भी होगा वो सब मसल्स से रिलेटेड है, जो भी मसल्स से रिलेटेड है, मसल्स जिसमें भी डेवलप होगा वो स्ट्रेंथ से रिलेटेड होगा, स्ट्रेंथ यानी शक्ति से। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? जैसे कि दांत 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य में, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल। तो जो हमारे सामने वाले दांत होते हैं वो इंसीजर दांत होते हैं। तो सामने वाले यानी कि सेंट्रल इंसीजर, इंसीजर के भी जो सेंटर में सबसे पहला दांत होता है बीच में, वही आपका सबसे पहले निकलते हैं। नेक्स्ट है, ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ग्रैंड मास्टर का संबंध जो है वह टेनिस खेल से है। नो दोस्तों, ग्रैंड मास्टर का संबंध किस से है? चेस से है। चेस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, विजेता को ग्रैंड मास्टर दिया जाता है। नेताजी इंस्टीट्यूट, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट पटियाला की स्थापना कब हुआ था? 7 मई 1961 को। कब हुआ था? 7 मई 1961 को। नेक्स्ट है, डिरेटिस्ट का प्रयोग डोपिंग के में अधिकतर किस खेल से संबंधित खिलाड़ी करते हैं? तो दोस्तों ड्यूरेटिक्स जो होता है वह भार को कम करता है, इसलिए भार से संबंधित खेलों के खिलाड़ी इसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं। पेशाब बनता है इसमें और पानी मूत्र के रास्ते बाहर आ जाता है, एंड 24 से 48 घंटे में लगभग 35% भार को कम कर देता है। एंड यह इसका यानी कि काम है, ज़्यादातर प्रयोग एनाबोलिक स्टेरॉइड के साथ या उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पेशी में कर्ष दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि इसका काम होता है भार को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, डोपिंग को छुपाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके सेवन से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि खिलाड़ी ने कौन सा रसायन लिया है। और यह स्त्रियों के मासिक धर्म परिवर्तन के समय को भी परिवर्तित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों कोनिका कप का संबंध है बैडमिंटन खेल से। किस खेल से? बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, एक धावक के जूतों में कीले क्यों होती है? तो दोस्तों धावक के जूतों में कीले, जो कील यानी स्पाइक्स होते हैं, वो जमीन में पकड़ बनाता है, जिसे घर्षण बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? घर्षण बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि खुरदरे सतह पर घर्षण अच्छा होता है और चिकने सतह पर घर्षण अच्छा नहीं होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कभी कभी केले का छिलका वगैरह जमीन पर पड़ जाता है, उस पर आपका पैर पड़ता है, आप फिसल के गिर जाते हैं। तो चिकनाहट जितना ही कम रहेगा, खुरदरा सतह होगा, उतना ही घर्षण अच्छा होगा, आप गिरेंगे नहीं, जमीन से पकड़ बना रहेगा। नेक्स्ट है, हेट शब्द नामक सिद्धांत का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है शूटिंग में, यानी निशानेबाजी में। नेक्स्ट है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, स्क्वाट्रस टेस्ट, बर्फी टेस्ट से क्या मापा जाता है? तो इससे एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन को विकसित किया जाता है। तो यहाँ पे एजिलिटी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की क्रियात्मक क्षमता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्रियात्मक क्षमता यानी कि मांसपेशियों की जो एक्शन पोटेंशियल होती है
उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नेक्स्ट है एथलेटिक्स में प्रथम स्थान के लिए तीनों टाइम कीपर की घड़ियां अलग अलग टाइम बता रही हैं, तो कौन सा समय निर्णायक होता है? तो जो बीच वाली घड़ी, मध्य वाला घड़ी होता है, उसी का टाइम लिया जाता है। नेक्स्ट है कि एक यार्ड यानी कि एक गज में कितने मीटर होते हैं? तो दोस्तों एक यार्ड यानी एक गज में 0.914 मीटर होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों विश्राम की स्थिति में पंजों का फासला कितना होना चाहिए? तो दोस्तों जब हम सावधान विश्राम कराते हैं तो जो विश्राम होता है, तो विश्राम की स्थिति में पंजे, ऑप्शन नंबर क राइट होगा, पंजे के बीच में, दोनों पंजों के बीच में जो गैप रहेगा 18 इंच और दोनों एड़ियों के बीच में 12 इंच का गैप रहेगा। एंड जब सावधान की स्थिति में रहेंगे तो उस कंडीशन में 6 इंच का गैप रहेगा पंजे के बीच में और दोनों एड़ियां सटी रहेंगी और 30 अंश का कोण बनेगा। नेक्स्ट है मैरिलबोन क्रिकेट क्लब कहाँ स्थित है? MCC यानी मैरिलबोन क्रिकेट क्लब, जो क्रिकेट का नियम बनाता है और चेंज करता है, तो इस यह क्लब कहाँ पे है? लंदन में है। नेक्स्ट है जिस प्रकार जलीय क्षेत्रों के लिए फीना है उसी प्रकार शतरंज खेल के लिए क्या है? तो जलीय क्षेत्रों के लिए फीना है, जिस प्रकार फीना जो है तैराकी से संबंधित है, तैराकी से संबंधित सभी विश्व की संस्था है, तैराकी से संबंधित विश्व के सभी महत्वपूर्ण खेलों को संचालन करता है, उसी प्रकार जूडो शतरंज के लिए फीडे है। क्या है? फीडे है, फीडे यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस। नेक्स्ट है मांसपेशीय सिरे को क्या कहते हैं जो हड्डी से चिपका रहता है? तो दोस्तों मांसपेशी हड्डी से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? टेंडन के द्वारा। किसके द्वारा? टेंडन के द्वारा, यानी कि टेंडन के द्वारा मांसपेशियां जो है हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। तो दोनों छोरों पर हड्डियों से मांसपेशियां टेंडन के द्वारा जुड़ी रहती हैं, और जो हड्डी, एक हड्डी दूसरे हड्डी को बीच में जोड़ों पर कौन जोड़ता है? लिगामेंट। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर सबसे पहला कौन थी स्वतंत्र भारत की? तो राजकुमारी अमृत कौर, जिनके नाम पर राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग संस्थान बनाया गया था 1953 में। और ये राजकुमारी अमृत कौर एक अच्छी टेनिस प्लेयर भी थी। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस, और 50 के 50 क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।